ये चीज़ी क्रीमी पिज़्ज़ा टोस्ट बहुत ही डिलीशियस यमी है, बहुत क्विक बन जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड एंड फैशन, मैं कविता बनर्जी हूं। पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही बच्चे बड़े सभी को बहुत अच्छा लगता है। आज हम लेके आए बहुत ही ईजी वर्जन, हम लेके आए पिज़्ज़ा टोस्ट। बहुत ही चीज़ी है, बहुत यमी है, बहुत क्विक रेसिपी है। तो सिर्फ जैसे खाना घट पर बनाए चुटकी में हम बंदे आपके प्यार से, तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा टोस्ट। पिज़्ज़ा टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ये चॉप्ड गार्लिक। अगर आप गार्लिक यूज़ नहीं करते हो तो आप स्किप कर सकते हो। इसको अब हम स्टर करते हुए कुक करेंगे, इसका खाली कच्चापन हमें हटाना है। ये हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। गार्लिक जो है, ये लहसुन जो हमने डाला है, थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा प्याज जिसको एकदम बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करते हैं हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट एंड टेंडर नहीं होता है। तो इसको हम स्टर करते हुए कुक करेंगे। मैंने 5 मीडियम साइज टोमेटो को बॉईल कर लिया, उसको फिर चर्न कर लिया, ब्लेंड कर लिया और छान लिया। छानना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है बहुत फाइन बनता है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे वो टोमेटो प्योरे, इसे हम कुक करते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे एक अच्छा कलर आता है पिज़्ज़ा सॉस में। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये मेरे पास बेजिल के लीफ है, ये इसमें एकदम हाथों से तोड़ के हम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा हर्ब, इसे हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में ताकि अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है, इसको आप स्टोर कर सकते हो 5 से 7 दिन आराम से फ्रिज के अंदर। और फ्लेम को हम करते हैं बंद और इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये हमारी रेड सॉस रेडी है और अब हम बनाएंगे चीज़ी वेजिटेबल मिक्सचर। मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक। मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, ब्रोकली, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, कॉर्न। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, जुकीनी भी यूज़ कर सकते हो, मशरूम यूज़ कर सकते हो। हमारा गार्लिक जो है अच्छे से सौते हो गया है, अब इसमें हम बाकी वेजिटेबल को ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है हमें वेजिटेबल जो है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको क्रंची रखना है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून। मैंने 1 मिनट के लिए ये जो वेजिटेबल है इनको सौते किया है बटर में, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ये मैदा है। इस मैदे को अच्छे से हम वेजिटेबल में मिक्स करेंगे। आप चाहो तो व्हाइट सॉस अलग से भी बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा क्विक कर देता है रेसिपी को और टेस्ट वही आता है। जैसे कि मैंने कहा हमें वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे क्रंची रखना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, मैं धीरे धीरे मिल्क ऐड करूँगी ताकि लम्स फॉर्म ना हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मिल्क। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा हर्ब, बेजिल के पत्ते हैं जिसको हम एकदम हाथों से तोड़ के इसमें डाल देंगे। ये आप अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इसे हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में, ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा और चीज़ी हो जाएगा। ये हमारा क्रीमी वेजिटेबल मिक्सचर रेडी हो गया है और अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये हमारा क्रीमी वेजिटेबल रेडी है और ये रेड सॉस भी रेडी है, पिज़्ज़ा सॉस भी। यहाँ मैंने लिया है ये ब्रेड, आप सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हो, नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हो, इवन व्हीट ब्रेड भी ले सकते हो। तो अब इसमें दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे बटर को। मैं दोनों तरफ बटर ऐड कर देती हूँ। बटर को अच्छे से हम अप्लाई करेंगे।
इसी तरीके से सारे ब्रेड में मैं बटर लगा दूंगी। आज हम जो इसको बेक करेंगे वो दो तरीके से करेंगे, एक अवन में करेंगे, दूसरा मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। जिनके पास अवन नहीं हो वो भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे हमारा ये पिज्जा सॉस, इसको अच्छे से एक थिक लेयर के हिसाब से हम स्प्रेड करेंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये वेजिटेबल का क्रीमी मिक्सचर, इसको हम एक थिक लेयर लगाएंगे इसका। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड में ये थिक लेयर लगा दूंगी। और अब हम ऐड करेंगे ये मोजरेला चीज, आप नॉर्मल चीज भी यूज कर सकते हो बट मैं आज यूज कर रही हूँ मोजरेला पिज्जा चीज। ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है और अब इनके ऊपर ये ब्रेड को मैं रख देती हूँ। ये ब्रेड इसके ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। मैंने ओवन को 180 डिग्री में प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए और अब इसको हम बेक होने देते हैं। एक स्लाइस हम कुक करेंगे इस पैन में। मैंने एक पैन लिया है, इसको हम गर्म करेंगे, फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम और अब इसको हम ढक के चीज़ को जो है मेल्ट होने देते हैं, कुक करते हैं। बट ध्यान रखिएगा फ्लेम जो है हमें रखना है लो टू मीडियम। ये देखिए चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हमारा बेक हो गया है। इसको अब हम कट करते हैं, आप पिज़्ज़ा कटर नाइफ किसी से भी कट कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा टोस्ट रेडी है। तो दोस्तों रेडी हमारी बहुत ही डिलीशियस यमी चीज़ी क्रीमी पिज़्ज़ा टोस्ट, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, टिल देन कविता बरेडिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।